स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड का सितारगंज हुआ जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मामूली बरसात के बाद सितारगंज पानी हो गया। उपजिलाधिकारी कार्यालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जल भराव से लोग परेशान हो गए। जहां एक ओर पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों में मलबा गिरने से कई स्थानों पर जनहानि हो गई। नाले और नदियां उफान पर हैं, कई पुल बह गए तो कई गाड़ियां बंद बह गई। कई नदी नालियों ने रिहायशी इलाकों को भी अपनी आगोश में ले लिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित उपजिलाधिकारी कार्यालय, गैस एजेंसी व मुख्य सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों का घरों में रखा राशन और फर्नीचर भी पूरी तरह से डूबकर बर्बाद हो गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग सरकार के जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं और बड़े पैमाने पर आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। जल भराव काफ़ी जगह हो रहा है। सुबह मैं आया था तो उधर चौराहे वोराहे पे काफ़ी पानी भरा था, लेकिन अब तो कम हो गया है। और सुबह से हमारे ईओ साहब लगे हैं जेसीबी से, कई जगह वार्ड नंबर 1-2 में उधर नाली उली साफ करवाई है, इसलिए लोग तोड़वा के। सर उप जिला अधिकारी के और नगर पालिका को बोलेंगे, वो आगे नाली की सफाई उफाई कर दें, पानी निकल जाएगा।